अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मी हिना, हिना स्लाइव स्टाइल। अच्छा जी, ये मेकअप लुक मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ आगे। और आज मैं तैयार हुई हूँ कहाँ जाने के लिए, तो वो मैं बताती हूँ। यह वैसे आज है 31 अगस्त और न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा रात 12 बजे के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं मामू की तरफ, बारबेक्यू है और न्यू ईयर पार्टी पार्टी भी है। तो अगर हम यहाँ ना जाते तो कहीं और जाते मैं और हसन, लेकिन आज फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो मैंने सोचा शेयर करती हूँ, छोटा थोड़ा बहुत क्लिप्स जो है आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये मैं तैयार हुई हूँ, ये मैंने मेकअप किया है, हाई शेड मैं शेयर कर दूँगी आगे, तो एंड तक व्लॉग देखिएगा। बाकी मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे तो अपना लुक बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बताइएगा कैसा लग रहा है। कर्ल्स की है मैंने, आगे थोड़ा डार्क लिप्स की हैं, लाइट आइज़ की हैं, और मुझे बताइएगा कैसा मेकअप हुआ है मेरा। तो चले वहाँ जाकर मिलती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जेम्स चार्ल्स पैलेट यूज़ करने लगी हूँ, जो शेड मैं ये ले रही हूँ गोल्डन सा, लाइट सा, बड़े मज़े का शेड है। और मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ही शेयर करूँगी, बाकी आप लोगों से शेयर किया हुआ है मैंने पिछली वीडियोस में। तो ये देखिए कितना मज़े का शेड था। और मैंने आईलैशेस वगैरह लगा ली, अभी मैं लगाने लगी हूँ लिपस्टिक। ये मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में बता दी थी, लॉरियल की है और ये शेड बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए मेकअप कम्प्लीट करके फिर आगे को बढ़ते हैं, और एंड तक व्लॉग देखिएगा, साथ साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये वाले एयरिंग्स मैंने डिसाइड किए थे पहनना इस पर, तो ये उस पर सूट कर रहे थे, अब मैं ये पहनने लगी हूँ और बस मेरा लुक कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, ये मेरा कंप्लीट लुक, और साथ में हसन भी हैं मेरे, और ये देखें फ्रेंड्स, ये लुक था मेरा। अच्छा जी, मैं आ गई हूँ मामू की तरफ, और अब जो है खाना थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगी। थोड़ी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकूँगी क्योंकि मेहमान ज़्यादा हैं और इतना ज़्यादा मेरे पास मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इतना मैं कर नहीं सकूँगी। थोड़े बहुत क्लिप्स ऐड करूँगी, तो आप लोग देखते रहिएगा। बाकी ये मेरा लुक है, मेकअप तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और बाकी थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। तो चले साथ साथ रहिएगा एंड तक। हमारा हसलो तुम्हें नहीं कहा। अच्छा जी, यहाँ पे सबकी फ़ोटोग्राफी चल रही थी, तो यहाँ पे अमान की फ़ोटोग्राफी चल रही है, उसके बाद यहाँ पे हसन की टिकटॉक्स बनेंगी, और दिखाती हूँ सारा कुछ शेयर करती हूँ आगे। ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਹਣੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਰ ਤੋਰਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੂ ਸੀਣ ਰੱਖਾਂ ਡਿੱਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਤੇ ਜਹਿਬੀ ਵਿੱਚ ਫੀਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੋ। मामू पप्पी जी ने मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है। कौन सी? ये फिर लगाते हो? अच्छा ठीक है ठीक है। अभी मैंने इतने लगाए हैं सारे। आपने लगाया अभी? ये सब क्या चाहिए इसमें? मामू को फ्रेश फ्रेश दें। अच्छा जी, यहाँ पे फ्रेश फ्रेश बारबेक्यू बन रहा था, साथ में हलवा पूड़ी वगैरह भी बन रही थी फ्रेश फ्रेश, और इसके बाद जो है खाना लगने लगा है, तो चलते हैं उधर। अच्छा जी, यहाँ आए मेरे प्यारे से मामू मामी, और ये है मॉम डैड फोटोग्राफी करवाते हुए। अच्छा जी, अब 12 बजने वाले हैं और न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, तो सब तैयारी में है, और उसके बाद जो फायरवर्क्स होंगी।
तो साथ साथ रहिएगा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अभी 12 बजे। जबरदस्त। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने ली ईशा मुस्कान के साथ। उसके अलावा यहाँ सब जमा हुए हुए हैं क्योंकि अब अभी केक कट होना है मामी का बर्थडे भी है, मतलब गुजर चुका है लेकिन अभी सेलिब्रेट करेंगे। तो ये है केक और अब बर्थडे सेलिब्रेट होने लगी है। चलो जी अच्छा जी, अब थोड़ा बहुत डांस वांस होगा यहाँ पे बर्थडे की खुशी में, न्यू ईयर की खुशी में। तो चलें एंड तक देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हसन साहब जो है बारबेक्यू बना रहे हैं, मतलब शौकिया से वीडियो के लिए,
और ये मुझे न्यू ईयर विश करेंगे, तो आगे वीडियो देखें कैसे किया हमने। हेलो हिना, हैप्पी न्यू ईयर। जानता हूँ आप मेरे बिल्कुल साथ बैठी हुई हो, लेकिन मैंने कहा चलो आपको विश करूँ और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशियाँ अता करे और हम दोनों में ऐसे ही हम लोग इकट्ठे रहें और साथ रहें सारी जिंदगी हमेशा। हैप्पी न्यू ईयर। Yeah, I'm not going to do it.